हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में पहले भी कई बार आप लोगों ने जो टॉपिक है कहीं ना कहीं देखा होगा पर अब हम लोग यहाँ पे पासवर्ड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात नहीं करते हम लोग यहाँ पे कंटेंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर दें सारा का सारा जो कोड रहेगा वो मैं आपको मेरे सर्वर पे दिखाने वाला हूँ सेम कोड को अगर लोकल होस्ट पे भी चलाना है चला सकते हैं मैं सर्वर पे आपको इसलिए सारा का सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अगर टेस्ट करना हो तो वही लिंक मैं आपको दे दूंगा मेरे सर्वर का ही वही आप देख सकते हैं सारा का सारा जो प्रोसेस रहेगा मेरा वो मैं मेरी जो होस्टिंगर की होस्टिंग है उसमें करने वाला हूँ होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होता है और एक प्रोमो कोड भी होता है प्रोग्रामिंग विद विशाल तो अगर आप उस लिंक से क्लिक करके वो प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको जो एडिशनल बेनिफिट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा तो कैसे हमारा प्रोसेस है फ्रेंड्स जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरे पास एक फॉर्म है और मैं यहाँ पे कोई डेटा सबमिट करना चाहता हूँ लेट से मैंने डाला अमित अमित

अब इस पूरे प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है वो है इंक्रिप्शन का अभी जो डेटा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में जब मैंने डेटाबेस से डेटा सबमिट करा तो वही डेटा एग्जैक्ट फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर हो गया अब जिसके पास भी इस डेटाबेस की एक्सेस है जिसके पास भी इस डेटाबेस की डिटेल है वो इस डेटा को चेक कर सकता है ये है यहां पे प्रॉब्लम बेसिकली एक जिसके लिए हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज करते हैं जब हम इंक्रिप्शन की यहां पे बात करते हैं तो हम लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं और उस इंक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ये की की हेल्प से पास करते हैं जब तक वो की और जो डेटा इंक्रिप्ट हुआ है डिक्रिप्ट हुआ है वो सब प्रॉपरली ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो आपका जो कंटेंट है वो आप रीड नहीं कर सकते या आगे नहीं भेज सकते जैसे कि आप कई बार व्हाट्सएप पे सुनते हैं कि जो व्हाट्सएप का डेटा है वो इंक्रिप्टेड होकर डेटाबेस में जाता है तो इसी तरीके से इंक्रिप्शन करते हैं मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ तरीके का यूज करते हैं तो मैंने क्या करा है कि आपको पहले तो बेसिक समझाता हूँ और उसके बाद ये जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे तो टेस्ट डॉट पी एच पी नाम से मैंने एक यहाँ पे मेरे सर्वर पे ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है तो मैं क्या करने वाला हूं कि एक पहले आपको स्टैटिक यहां पे बताऊंगा किस तरीके से इनक्रिप्ट करते हैं डिक्रिप्ट करते हैं फिर हम उसको हमारे डेटाबेस में लेके चलेंगे तो मैंने एक स्ट्रिंग बना ली यहां पे चैनल जो हमारा है उसका मैं नाम डाल देता हूं हमारे स्ट्रिंग के अंदर अब अगली चीज ये है कि यहां पे मैं इसको इनक्रिप्ट करने के लिए एक मेथड है जिसका यूज करने वाला हूं और जो मेथड है हमारा ओपन एस एस एल अंडर स्कोर इनक्रिप्ट आई एन सी वाई पी टी ओपन एस एस एल अंडर इनक्रिप्ट ध्यान रखिएगा इनक्रिप्ट के लिए ओपन एस एस एल इनक्रिप्टिप के लिए ओपन एस एस एल है हो सकता है आपके जब आप अपने सिस्टम पे अप्लाई करें ना चले अगर ऐसा हो तो पी एच पी आई एन आई में जाके अपना जो ओपन एस एस एल है उसको खाली इनेबल कर दीजिएगा फंक्शन आपका बराबर चलने लगेगा अभी जो फंक्शन है आपका ये कुछ पैरामीटर्स यहां पे लेता है पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग जो डेटा आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं इसके बाद यह लेता है कि हम लोग किस मेथड से इसको हमारा जो कोड है उसे इनक्रिप्ट करना चाहते हैं जिसे हम लोग सिपर बोलते हैं अगली चीज है की क्या की बनाई है आपने जिसके थ्रू आप ये चीज को ऑपरेट करना चाहते हैं और इसके बाद एक और आता है हमारे पास ऑप्शन और एक और है हमारे पास अंडरस्कोर वी आई एक एक करके मैं आपको ये पैरामीटर्स के बारे में बताता हूं कई अलग अलग मेथड हैं अगर आप ओपन एस के डॉक्यूमेंट में जाएंगे php .net में तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैं यहां पर जो मेथड यूज कर रहा हूं वो है एस डैश वन टू एट डैश सी टी आर यह मेरे मेथड का नाम है जिसके थ्रू मैं मेरा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट कराने वाला हूं ऑप्शन की जहां तक हम बात करें तो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो रहती है नल मैं वही यहां पे पास कर दे रहा हूं जीरो सॉरी नल नहीं इसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं एक है की और एक है ये डॉलर वी तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इस सिपर के ऊपर एक तो है की की को मैं ऊपर ही डाल देता हूं की की आप कोई भी यूज कर सकते हैं मैं अभी के लिए विशाल नाम से की बना रहा हूं आइडियली विशाल नाम से की नहीं बनेगी हम लोग कुछ टिपिकल की बनाते हैं ये क्योंकि इसी के थ्रू एक्चुअली आपका डेटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होने वाला है की देख ली हमने अब हम आ जाते हैं हमारे वी आई में तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है इसके ऊपर आपके सिपर के ऊपर तो ये जो मेथड मैंने यूज करा है इसके लिए जो हमें डॉलर वी आई यूज करना पड़ेगा वो कोई भी एक नंबर हो सकता है नॉन नल सिक्सटीन कैरेक्टर का तो मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सॉरी नाइन हो गए नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व एक बार दोबारा देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह डिपेंडिंग अपॉन मेथड ये मेथड आपका इसका जो साइज है वो डिफाइन होगा अब इसका साइज 16 क्यों लिया वो सब मैं आपको अभी वन बाई वन बताऊंगा पर अभी के लिए एक स्टेटिक एग्जाम्पल खाली हम लोग यहां पे देखते हैं चलेंगे इको कर देंगे हम हमारे इस मेथड को और एक काम और करते हैं कि ये चीज को हम लोग इधर डाल देते हैं इस तरीके से ये मैंने क्यों स्पेसिंग डाली है इस सब मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब है अब अगर इसकी इस, इस डिटेल के थ्रू मैं अगर प्रोग्रामिंग विदेशाल को इनक्रिप्ट करना चाहूं एक बार चलते हैं पेज अपलोड हो गया है चलिए टेस्ट पे चलते हैं हिट करते हैं ये देखिए ये जो आपको अब डेटा मिला है ये आपको इंक्रिप्शन मिला है प्रोग्रामिंग विद विशाल का। अगर मैं दोबारा पेज को रीलोड करूं तो यही रहेगा इसका मतलब यह हो गया कि प्रोग्रामिंग विद विशाल जब भी कहीं पे आएगा तो उसका जो इंक्रिप्टेड वर्जन होगा वो ये जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है वो होगा ठीक है इतना अभी के लिए इतना एज्यूम करते हैं पर आइडियली जब जब मैं पेज को हिट करूं मेरा ये इंक्रिप्शन जो डेटा है वो भी अलग तरीके से होना चाहिए था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है वो ठीक है प्रोग्रामिंग विद विशाल जब इंक्रिप्ट हो रहा है हर बार उस डेटा का जो आउटपुट आ रहा है वो भी अलग अलग आना चाहिए मतलब सेम चीज का इंक्रिप्शन भी एक्चुअल में अलग अलग होना चाहिए था जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है वो हम आगे देखेंगे तो ये जो इंक्रिप्टेड डेटा है मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं और जो हमारा डॉलर एस है इसमें ये डाल देता हूं क्योंकि अब हमें ये भी तो देखना है कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे क्योंकि ये तो मेथड है हमारा तो डिक्रिप्ट के लिए कुछ नहीं करना सेम टू सेम सब कुछ बस यहां पे ओपन एस एस डिक्रिप्ट का यूज कर लेंगे डी ई सी आर वाई पी टी चलेंगे एक बार बाकी सब कुछ सेम है मेरा बस मैंने खाली यहां पर चेंज किया चलेंगे एक बार अब इसे हिट करेंगे तो देखिए इसने आपको जो आउटपुट है वो दे दिया प्रोग्रामिंग विद विशाल अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस चीज को चेंज कर देंगे जो डॉलर वी है और ये की को चेंज कर देंगे तो आपका जो इनक्रिप्टेड डेटा है वो यहां पे अलग बनेगा तो इस केस में क्या होगा जब आपको इसको दोबारा डिक्रिप्ट करना है तो ये सेटिंग आपकी सेम रहनी चाहिए अगर ये सेटिंग आपकी चेंज हो गई तो जो डेटा आप डिक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा लेट से मैं यहां पे वन डाल देता हूं और अभी एक बार डेटा को डिक्रिप्ट करके देखते हैं देखिए जब डिक्रिप्ट करने लगे तो उसको पता ही नहीं चला उसने कुछ और ही यहां पर डिक्रिप्ट कर दिया तो ध्यान रखेंगे कि ये चीजें हमारी सेम टू सेम रहनी चाहिए अब मैं दोबारा एक बार इसे इनक्रिप्ट करता हूं फिर से एक चीज देखते हैं जो मैंने एक्चुअली आप लोगों को बताया था हिट करते हैं तो प्रोग्रामिंग विशाल हमेशा इंक्रिप्टेड मेथड जो उसका होता है वो यही होता है आइडियली हर बार इस मेथड मेथड इसका भी जो है इनक्रिप्शन का वो अलग अलग होना चाहिए था अब वो कैसे होगा वो एक बार हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि अगर आप यहां पे देखेंगे ये जो चीज है ये हमें हर बार अलग अलग जनरेट करनी पड़ेगी और ये एक्चुअली डिपेंड करती है इस मेथड के ऊपर तो आइडियली हमारा ये वीआई का जो कोड है ये कुछ इस हिसाब से होना चाहिए था कि सबसे पहले हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा वो जो मैं आपको 16 कैरेक्टर वाली बात कर रहा था वो पता कैसे चलेगा तो लेंथ का मतलब इसकी इसके स्ट्र एलियन नहीं है उसका एक मेथड है यहाँ पे वी आई एल ई एन कर देते हैं हम लोग और जो मेथड है वो है ओपन एसएसएल अंडर सीएचआईपीईआर अंडर आईवी अंडर लेंथ जी टी एच एक बार मैं स्पेलिंग देख लेता हूं ओपन एस एस एल सी स्पेलिंग गलत है सी आई पी एच पी एच ई आर होना चाहिए था देखिए कलर चेंज हो गया मतलब अब मेथड हमारा सही है और यहां पे हम लोग हमारा ये जो की है इसे डाल देते हैं अब एक बार इसके लेंथ देखिएगा आप क्या आती है और मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूं चलते हैं इधर एक बार हिट करके देखते हैं तो देखिए लेंथ आई इसकी 16 इस वजह से मैंने आपको बोला था कि ये जो डेटा यहां बनता है ये आपका 16 कैरेक्टर का होना चाहिए ठीक है मिल गई हमें 16 कैरेक्टर अब हमें क्या करना है 16 कैरेक्टर का आइडियली ये एक रैंडम नंबर हमेशा होना चाहिए 16 कैरेक्टर का हमेशा एक रैंडम नंबर ध्यान रखेंगे इस चीज को तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ओपन एसएसएल जो हम लोग लगाते आए हैं ओपन एसएसएल अंडरस्कोर रैंडम अंडरस्कोर सूडो बाइट्स और इसको हम लोग कर देते हैं 16। अब इसका फायदा क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे और फायदा देखिएगा क्या होता है हम लोग चलते हैं हिट करते हैं और अभी देखिएगा ये किसका आउटपुट आया आपके पास प्रोग्रामिंग विद विशाल का पर जब मैं अगली बार हिट करूं अलग आया अगली बार हिट करूं अलग आया अगली बार हिट करा अलग इस बार हिट करा अलग आया तो आपको फायदा यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो वीआई आपको मिल रहा है ये वी आई का डेटा भी अब आपको हर बार अलग अलग मिलेगा अब जब आप इस डेटा को डिक्रिप्ट करना चाहेंगे तो ध्यान रखेंगे डिक्रिप्ट भी इसी मेथड से होगा ये जो डॉलर वी आई ने आपको वैल्यू दी है डिक्रिप्ट के लिए भी इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा तभी आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं तो ये है इसका एक्चुअल तरीका यूज करने का अब हम हमारे कोड में कैसे करेंगे वो देखते हैं तो मैंने क्या करा था यहां पे जो मेरा डेटा है उसको इस तरीके से नॉर्मल क्या करा था कि जब भी आप एक फॉर्म बनाया था मैंने फॉर्म में जब आप सबमिट करते हैं रेगुलर है सबमिट करते हैं डेटा रिट्राइव करा और इंसर्ट करके डेटा डेटाबेस में डाल दिया अब हमें यहां पे यह करना पड़ेगा कि एक फंक्शन बना लेते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए तो मैं एक बना लेता हूं फंक्शन एस टी आर अंडर स्कोर इनक्रिप्ट ई कर देते हैं खाली ओपन एस एस एल अंडर स्कोर ई एन सी इनक्रिप्ट और यहां मैं पास करवा रहा हूं सिर्फ एक चीज और वो है फिलहाल के लिए एस टी आर यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग पास करेंगे उसका इंक्रिप्टेड वर्जन हमें मिल जाएगा तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरी सारी की सारी चीजें हैं इन्हें लेता हूं कॉपी और यहां डाल देता हूं इस तरीके से इस तरीके से तो ये यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले की अब की ध्यान रखेंगे कि ये की आपको अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी तो की आइडियली हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते थे जैसे कि मैं बोल सकता था कुछ ऐसी की विशाल इसको सिंगल कोट इनफेक्ट कर लेते हैं नहीं तो चलेगा नहीं अब ये आपकी की बन गई अब ये आपकी थोड़ा ज्यादा आपकी हाईली वो बन गई क्या बोल सकते हैं ब्रेक करने वाली क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरीके की आपकी की होगी जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ये सेफ रहेगी कि। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास एक और आ जाती है और वो क्या आ जाती है कि ये जो आ, डेटा आपने भेजा है वो इनक्रिप्ट करेंगे और इंक्रिप्ट करके उसकी जो वैल्यू है रिटर्न करेंगे तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या मेथड का यूज किया था यहाँ पे इंक्रिप्ट कॉपी कर लेता हूं एक बार और यही डाल देता हूं इस तरीके से और यहां पे हम लोग डाल देते एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर ही आपका यहां पड़ा है और यहां से आपका रिटर्न हो जाएगा डॉलर एस टी आर ये बेसिकली हमने इंक्रिप्ट करने के लिए हमारा जो तरीका है वो यूज कर लिया अब यहां पे पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये की तो सेम रहेगी हर बार मेथड भी आपका सेम रहेगा और मेथड के बेस पे आपका ये जो डेटा आ रहा है ये भी सेम रहेगा बस ये जो आपने वी बनाया है ये आपका डायनामिक आना चाहिए तो मैं क्या करता हूं ये वी को भी इधर ही डाल देता हूं आई कर देते हैं इनफैक्ट इसे इस तरीके से क्योंकि जो आईवी है ये मैं डायनामिकली प्रोवाइड करूंगा बेसिस ऑन मेरा मेथड क्या है तो अब इसको भी मुझे कोई रखने की जरूरत नहीं है आइडियली ये आपका लेंथ यहां पे आ जानी चाहिए थी जिससे डायनामिक हो जाता पर मुझे पता है कि मेरा मेथड क्या रहने वाला है तो मैं हमेशा सिक्सटीन कैरेक्टर की जो मेरा डिजिट रहेगा वो यहां पर बनाने वाला हूं इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि वी को पहले ही निकाल के यहां पर रख लेंगे इस तरीके से 16 कैरेक्टर का वी आई हमें यहाँ पे मिल जाएगा अब इसके बाद जब भी मुझे डेटा इंक्रिप्ट करना है मैं खाली इस मेथड का यूज करूंगा यहां से और ये मुझे क्या करेगा इसका इनक्रिप्टेड वर्जन जो है निकाल के दे देगा तो मैं यहां बोल सकता हूं डॉलर नेम इज इक्वल टू दिस मेथड मेथड डाला हमने क्या वैल्यू है हमारी नेम और यहां मैं कर देता हूं आई मुझे नेम मिल जाएगा इनक्रिप्ट होके और यहां मैं कर देता हूं मेरा ईमेल इस तरीके से चलेंगे एक बार और सेव कर देते हैं इसे चलिए एक बार अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं यहां पे तो मैंने डाला एक बार डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है वो मैं हटा देता हूं सब जिससे थोड़ा सा डेटाबेस में भी डेटा कम हो जाएगा तो अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है चलिए तो अब हम आए हमने डाला विशाल ईमेल आईडी डाली मैंने विशाल एट द रेट gmail.com सबमिट के बटन पे क्लिक करा इसने बताया इंफॉर्मेशन तो आ गई है में, में हो गया। एक और रखेंगे कि ये जो डेटा है आपका इसका स्ट्रक्चर चेंज करके रखिएगा क्योंकि डेटा आपका ज्यादा यहां पे हो सकता है तो मैं सेफर साइड यहां पे टेक्स्ट ही ले ले रहा हूं इन्हें कहीं ऐसा ना हो जाए कि डेटा इंक्रिप्टेड अगर बड़ा यूजर ने डाल दिया तो हमें मिलेगा कुछ का कुछ एक और डेटा डाल के देख लेते हैं हमने बोला अमित अमित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हम इधर आए तो ये जो अमित का डेटा है ये भी हमारा इंक्रिपिटेर हो गया अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं फिर से विशाल डालू और विशाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम विशाल पहले भी था विशाल अब भी है पर डेटाबेस में जब आप देखेंगे तो ये वाला भी विशाल था ये वाला भी विशाल था पर जो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड होके गया वो अब कुछ और ही गया है और वो जो शो वाले पेज पे अगर आएंगे आप तो भाई आपको तो समझ में ही नहीं आएगा रीड तो कर ही नहीं सकते इसे ठीक है अब डिक्रिप्ट लगाते हैं इस पेज पे शो वाले पे तो शो वाले पेज पे मैंने क्या करा था सिंपल एक एसक्यूएल uh, क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी और जो डेटाबेस की टेबल है उसके थ्रू मेरा जो डेटा है वो प्रिंट करा लिया था तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा डिक्रिप्ट का यूज अब एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी ये था हमारा डिक्रिप्ट जब हम लोग यहां लगा रहे थे पर प्रॉब्लम क्या है कि इसने जिस डॉलर वी से डेटा इनक्रिप्ट किया था वो डेटा भी वो वेरिएबल भी तो आपको डिक्रिप्ट के टाइम पे चाहिए क्योंकि डिक्रिप्ट का अगर फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनेगा मैं इधर ये फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ और इधर डाल देता हूं और इसकी जगह पे कर देता हूं डीई सी डिक्रिप्ट और यहां बोल देते हैं हम इनक्रिप्ट सेम टू सेम चीज सारी आएंगी एस टी आर पास होगा इस बार इनक्रिप्टेड पास होगा और आपको डेटा रिटर्न करके दे देगा पर वी आई कहां से लाए अब अगर हम लोग ये वी आई को ये वाला जो वी आई था अब अगर हम इस वी आई का यूज करेंगे यहां पर तो वी आई तो आपका चेंज हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा जब भी जो डेटा बेस में आप टेबल बनाए यहां पे, उसमें भी एक VI के लिए कॉलम डालना पड़ेगा अगर वो कॉलम नहीं डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी किस की के थ्रू जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हुआ था स्ट्रक्चर में चलेंगे ईमेल के बाद एक डाल देते हैं वी आई सॉरी आईवी और इसको भी मैं कर देता हूं टेक्स्ट इस तरीके से अब जब मेरा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा तो ये जो आईवी जा रहा है वो भी जाएगा साथ ही साथ तो मैं कर देता हूं आईवी और यहां बोल देता हूं डॉलर आईवी चलेंगे और एक बार जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है उससे मैं कर देता हूं एम इस तरीके से ट्रंकेट फॉर्म में आएंगे और एक कॉलम और आ चुका है अब एक बार डेटा दोबारा डाल के देखते हैं मैंने डाला विशाल विशाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हमने डाला अमित अमित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हमने फिर से डाला विशाल विशाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इधर आए तो IV के अंदर जो इंक्रिप्टेड डेटा जाना चाहिए था वो यहां पे जाना गया होगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम पर अभी देखेंगे कि वो गया भी है कि नहीं गया क्योंकि ये डेटा देख के नहीं लग रहा है कि ये आईवी की वैल्यू ये रही होगी क्या होगी वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं तो फंक्शन हमारा बन चुका है शो के पेज में हम लोग आ चुके हैं तो अब जब मुझे इसका डेटा कॉल कराना है ये वाला तो मैं क्या करता हूं कि इस फंक्शन को भी कॉल करा लेता हूं तो मैं इसको सिंपल रखता हूं कि यहां पे बोल देते हैं डॉलर नेम इज इक्वल टू दिस फंक्शन और यहां पे रो के थ्रू हम नेम पास करेंगे कॉमा रो के थ्रू हम आईवी पास करेंगे ये हम लोग हमें नेम देना चाहिए और इसको हमें ईमेल देना चाहिए कॉपी पेस्ट और आईवी तो आपके पास है ही है चलिए जी एक बार देखते हैं कि कहा चलेगा नहीं चलेगा और अगर नहीं चलेगा तो गड़बड़ किस चीज में हो सकती है चलिए जी एक बार इसे करते हैं अपलोड और शो वाले पेज पे चल के रीलोड करते हैं तो इस तरीके से कुछ डेटा आपके पास आ गया आया तो डिक्रिप्ट हुआ पर जो डेटा डिक्रिप्ट हुआ वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो यहां पे जो फाइट हो रखी है वो हो रखी है इस वैल्यू की ये जो आईवी डेटा के अंदर जा रहा है ये आईवी जिस फॉर्मेट में जा रहा है एक्चुअली वो फॉर्मेट जो है वो गलत है तो इसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे पास ये जो डॉलर वी है इसमें मिलता क्या है हमें जब हम डेटा में डेटा इंसर्ट करते हैं तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं कि ये वी को यहाँ पे इको कर देता हूं और यहाँ पे टाई कर देता हूं चलते हैं एक बार फाइल अपलोड करते हैं मैं आता हूं फॉर्म पे और मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूं तो सबमिट करते हैं ये तो कुछ घूमने लगा देखिए ये आया आपके सामने डेटा पर अब क्वेश्चन है ये है क्या रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो यहां पे बेसिकली आपको जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में मिलता है इस वजह से ये सारा का सारा दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं कि बाइनरी के डेटा को हेक्सा में कन्वर्ट करके डेटाबेस में डाल देते हैं देखिए मैंने बोला आई इज इक्वल टू बाइनरी टू हेक्सा किसको डॉलर आईवी को अब जब डेटाबेस में डेटा आपका जाएगा तो बाइनरी फॉर्मेट में ना डाल के हम लोग हेक्सा फॉर्मेट में उसे सेव कर लेते हैं तो मैं इसे फाइल को सेव करता हूं। और एक बार आपको दिखाता हूं चलते हैं डेटाबेस में डेटाबेस एक बार एम कर लेते हैं हम लोग तो नीचे आ जाते हैं ट्रंकेट चलिए हम आए इधर हिट करते हैं दोबारा में डेटा डालता हूं विशाल विशाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डाय हमने हटा दिया है बिल्कुल हटा दिया है चलते हैं एक बार सबमिट करते हैं अब देखिएगा डेटाबेस में डेटा क्या जाता है अब जो डेटा में डेटा गया वो आपके बाइनरी का हेग्जा फॉर्मेट किया ठीक है एक और डेटा डाल देते हैं अपने जो रेगुलर डेटा है वो सब डाल देते हैं क्योंकि अब डेटा डालने का काम आपका हो गया खत्म क्योंकि अब फाइनली आउटपुट दिखेगा विशाल विशाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम चलिए डेटा डेटाबेस में चला गया इनक्रिप्टेड होकर चला गया बिल्कुल ठीक है रीलोड करेंगे तो अभी भी डेटा आपको इसी तरीके से मिलेगा क्यों क्योंकि जो हमें रिट्राइव तो तो करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा फिर से बाइनरी फॉर्मेट में तो हम यह बोल सकते हैं डॉलर आईवी इज इक्वल टू इस बार मेरे पास हेक्सा किया था इस बार बोलेंगे एच ई एक्स टू बेन और यहां डाल देंगे रो ऑफ डॉलर आई वी आई वी अब ये क्या करेगा सेम टू सेम आपको उसी तरीके से डेटा रिटर्न कर देगा इसको हटाएंगे एक बार और जो डॉलर आई वी है उसे रख लेते हैं चलिए अपलोड करते हैं एक बार फाइल को और फाइनली एक बार हिट करते हैं देखिए जादू ये था आपका मेन चीज अगर आप इंक्रिप्टेड डेटा डेटाबेस में देखेंगे तो विशाल के लिए भी अलग अलग डेटा गया है लेकिन आउटपुट आपका इस तरीके से आ रहा है तो अब ये जो की हमारे पास गई है आईवी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से आपका जो डेटा है वो डिक्रिप्ट होगा और हरेक रिकॉर्ड के लिए हम लोग इसको यूनिक वैल्यू डालेंगे अगर प्रोजेक्ट पे आपको ये अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को अपने कांस्टेंट की फाइल से लाइएगा इन तीनों को जो की आप बना रहे हैं जो आपने मेथड यूज करा है और जो ऑप्शन एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पर सिक्सटीन आ रहा है सिक्सटीन क्यों है क्योंकि इसकी लेंथ सिक्सटीन है अगर फ्यूचर में आपका ये मेथड चेंज होगा तो इधर आपको भी चेंज करना पड़ेगा तो एक की सिपर और ये जो आपकी है जो हमारी लेंथ है इन सबको अपने कांस्टेंट से लेके आइएगा फायदा ये होगा कि सेम टू सेम आपका यहां पे भी ये चीज़ अप्लाई होगी और जब डेटा रिट्राइव करेंगे अच्छा रिट्राइव के टाइम पे तो हमें वो की नहीं चाहिए बस हमें खाली यहां पे जो डेटा है वो खाली पास करना है तो उस केस में फायदा ये हो जाएगा कि ये सब चीज़ें आपकी कॉन्स्टेंट से आ जाएंगी तो एक ही जगह से आपका सारा का सारा जो है मैनेज हो जाएगा तो ये होता है फ्रेंड्स प्रोसेस अगर आपको अपने डेटा में डेटा इनक्रिप्ट करना होता है और

जिससे कि जो टॉपिक्स हैं हमारे रेगुलर वो भी चलते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू